दिग्विजय सिंह के मध्य प्रदेश में 150 सीट से ज्यादा सीट जीतने वाले बयान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता ये बखूबी जानती है कि आपने और आपकी पार्टी ने कैसे अपने शासन में मध्य प्रदेश का बंटाधार किया है, वहीं आप किस आधार पर 150 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, काम तो आपने कुछ किया नहीं है। कटनी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं और मोदी की योजनाओं का गढ़ है। हमारी सरकार ने गांव गांव में घर घर के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का काम किया है। मैं कॉन्फिडेंट होकर कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस को आईना दिखाता रहा है और फिर आईना दिखाएगा। 2023 का चुनाव भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने नेतृत्व के विश्वास पर और गरीबों के जीवन बदलने के अभियान पर ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगी। हमारा संकल्प है कि 51% वोट शेयर और 200 पार का नारा। कॉन्फिडेंट होकर के मैं कह रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन्हें आईना दिखाता रहा है और फिर आईना दिखाएगा। आप चिंता मत करिए, 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने नेतृत्व के विश्वास पर और गरीबों के जीवन बदलने के अभियान पर ऐतिहासिक बहुमत से हम जीतेंगे। मध्य प्रदेश में तो हमने, ये हमारा संकल्प है, 51% वोट शेयर और 200 पार का नारा। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनेगी, ये कार्यकर्ताओं की ताकत है, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।